हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं पोस्टिंग ऑर्डर को कैसे भरेंगे, ECIL का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, बहुत सारे उसमें डॉक्यूमेंट दे रखे हैं, उनको फिलअप कैसे किया जाता है। मैंने अटेंशन फॉर्म का फिलअप कैसे करते हैं वो मैंने वीडियो डाल चुका हूँ, उस वीडियो को आप जरूर देख लें। अब पोस्टिंग ऑर्डर की बात आ जाती है, पोस्टिंग ऑर्डर कैसे भरते हैं, स्टेप बाई स्टेप मैं बताऊँगा। आज दिवाली का दिन है तो पटाखे वटाखे की आवाज़ आती रहेगी आपको, बम बम की, इससे आपको दिक्कत नहीं लेनी है। सबसे पहले आपको पोस्टिंग ऑर्डर अपना खोल लेना है। पोस्टिंग ऑर्डर खोलने के बाद यहाँ पे अपना नाम मेंशन करना है और जिस डेट की आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो डेट जो तुम्हें डालनी है। यहाँ पे आपका इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, जो भी आपकी ट्रेड है वो लिख देनी है। देन इसके बाद में कुछ भी नहीं लिखना है, नीचे आ जाना है। इसी में सेम क्राइटेरिया यहाँ पर भी आपको करना है, अपना यहाँ पर जिस दिन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उस दिन की डेट लिख देना है, नाम लिख देना है, अपना ट्रेड लिख देना है। ये आपका पहला पेज जो है वो कम्प्लीट हो जाता है। देन नेक्स्ट पेज की हम बात करते हैं। नेक्स्ट पेज में आपके आ जाता है जॉइनिंग रिपोर्ट। जॉइनिंग रिपोर्ट को कैसे भरना है, सबसे पहले अपना नाम भर लेना है, फिर पिताजी का नाम भर देना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर भर देना है आपको। डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद में आपको यहाँ पर अपना मेल पर टिक लगा देना है, अपना पैन कार्ड नंबर यहाँ भर देना है, आधार कार्ड नंबर यहाँ भर देना है। देन उसके बाद में नीचे आ जाना है, यहाँ पर अपना परमानेंट एड्रेस आपको फिलअप करना है, जो भी आपका रेजिडेंस एड्रेस है परमानेंट एड्रेस फिलअप कर देना है। अब ऐसे दो व्यक्तियों का यहाँ पे नाम तुम्हें लिखना है, ऐसे दो व्यक्तियों को जिसको कि ECIL को कोई इमरजेंसी केस होता है तो उन दो व्यक्तियों से बात हो सके। जैसे यहाँ पे अपने पिताजी का नाम दे सकते हैं और उनका रिलेशन यहाँ पर आपको लिखना होगा और उनका मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखना होगा। देन यहाँ पर भी आप एक नाम दे सकते हैं, उनका रिलेशन आपको लिखना होगा और उनका मोबाइल नंबर आपको यहाँ देना पड़ेगा, ठीक। देन इसके बाद में आप नीचे चले आएंगे तो नीचे में आपको क्या करना है, अपना अकाउंट नंबर, आपको बैंक अकाउंट नंबर यहाँ लिख देना है। देन उसके बाद में आपकी बैंक अकाउंट का नाम लिख देना है और उसकी ब्रांच का नाम लिख देना है, मांग रहा है ना, बैंक नेम और ब्रांच नेम, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको IFSC कोड यहाँ पर आपको भर देना है। देन यहाँ पर आपको SC ST OBC PWD या EWS कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पे यस कर देना है। देन उसके बाद में यहाँ पे आपको अपने सिग्नेचर कर दे रहे हैं। उसके बाद में आपका ये जो है जॉइनिंग रिपोर्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में आपको कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट पेज की हम बात करते हैं जॉइनिंग रिपोर्ट पर। नेक्स्ट पेज क्या है, नेक्स्ट पेज की अगर हम बात करें तो यहाँ सबसे पहले आपको क्या करना है, ये कौन सा आपका फॉर्म है, RFID फॉर्म है, इसमें अपना नाम लिख देना है। देन नाम लिखने के बाद सबसे नीचे आपको यहाँ जाना है, आप मेल है तो मेल पर क्लिक करेंगे, फीमेल है तो फीमेल पर क्लिक करेंगे। देन आपको यहाँ अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है, आपकी डेट ऑफ जॉइनिंग लिख देनी है, जिस दिन आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसी दिन की आपको डेट लिख देना है। आपको अपने दो ID मार्क बताना है, कट मार्क के दो आपको अपने आइडेंटिफाई करने के लिए अपने बॉडी का जो कट मार्क है या ब्लैक मोल है वो आपको दो यहाँ लिख देनी है कैपिटल लेटर में, ठीक। उसके बाद में आपको नीचे आना है, यहाँ पे अपना फ़ोटो चिपका देना है और इस बॉक्स के अंदर आपको ब्लैक पेन से साइन करना है। याद रखिए कौन सा ब्लैक पेन होना चाहिए, काला, काले पेन से आपको इस बॉक्स में सिग्नेचर कर देने हैं। देन ये वाला आपका पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट आपका आता है ऑथ, ये वाला आता है, इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना नाम लिख देना है, यहाँ पर डेट ऑफ जॉइनिंग लिख देनी है, अपना सिग्नेचर कर देना है। सिग्नेचर करने के बाद देन आपको फिर नीचे आना है तो फिर अपना नाम लिख देना है, डेट ऑफ जॉइनिंग लिख देनी है और यहाँ पर आपको सिग्नेचर कर देना है। देन ये भी आपका कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में आपको ये EPFO फॉर्म भरना है जो 11 फॉर्म है। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना नाम लिख देना है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिख देना है, यहाँ पिताजी का नाम लिख देना है। इसको करने के बाद आपको यहाँ पर टिक लगा देना है, आपका रिलेशन में ये कौन है, फादर है तो टिक लगा देना है, मेल पर टिक लगा देना है और अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर आपका भर देना है। देन आपकी मेल ID यहाँ पर भर देनी है, कैपिटल लेटर में भर देनी है अच्छे से, ठीक। इसके बाद में ये वाला आपका कंप्लीट हो जाता है। बहुत ज़्यादा आवाज़ आपको आ रही हो क्योंकि दिवाली का मौसम है, बम पटाखे चल रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट पेज की अगर बात करें तो नेक्स्ट पेज में आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्टली यहाँ पर टिक लगाना है, टेक्निकल पर टिक कर देना है और मैरिड पर टिक लगा देना है, मैरिड है तो मैरिड पर, अनमैरिड है तो अनमैरिड पर टिक लगा देना, बस। इसके बाद में कुछ नहीं करना है इस वाले पेज में। नेक्स्ट पेज में हम आ जाते हैं इस वाले पेज पर।
यहाँ पे आपको अपने बैंक के अकाउंट में जो आपका नाम है वो लिख देना है, आधार कार्ड में जो आपका नाम है वो लिख देना है, और आपका पैन कार्ड में जो नाम की स्पेलिंग है वही लिखनी है। देन इसके बाद में यहाँ पे आपको नंबर लिख देना है। नंबर की बात करें तो यहाँ सबसे पहले ऊपर में लिखा जाएगा बैंक अकाउंट नंबर, फिर आधार कार्ड का नंबर, फिर यहाँ पर पैन कार्ड का नंबर, और यहाँ पर अपने बैंक का IFSC कोड यहाँ पर लिख देना है। देन इसके बाद में नीचे अगर हम चलेंगे तो इसमें कुछ भी नहीं आपको करना है। नेक्स्ट पेज की बात करें तो ये डिक्लेरेशन फॉर्म है। डिक्लेरेशन फॉर्म में आपको क्या करना है, लिख देना है पिताजी का नाम लिख देना है, डेट ऑफ बर्थ लिख देना है, मेल हो तो मेल, फीमेल हो तो फीमेल, मैरिड है या सिंगल है वो यहाँ पे लिख देना है। देन उसके बाद में आपको यहाँ क्या करना है, अपना परमानेंट एड्रेस लिख देना है। नीचे चलने के बाद आपको नॉमिनीज का नाम देना है, जो जिसको आप नॉमिनी बनाना चाहते हो उसका नाम दे दीजिए, उसका पूरा एड्रेस यहाँ पे लिख दीजिए, क्या रिलेशन है आपका उसका वो लिख दीजिए, डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिए, कितना नॉमिनी आपको उसको देना चाहते हैं 50-50% आप कर दीजिए। देन इसके बाद में आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट पेज पर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट पेज की बात करें तो यहाँ पे ये वाला फॉर्म आता है। इसमें आपको क्या करना है, अपने परिवार के सदस्यों के नाम लिख दीजिए, अपना नाम नहीं लिखना है, पापा का नाम लिख देना है, मम्मी का नाम लिख देना है, अपने दो भाइयों का नाम लिख देना है, जो भी आपकी फैमिली है अपने नाम को छोड़ के, उनका पूरा एड्रेस यहाँ पे लिख देना है, उनकी डेट ऑफ बर्थ सभी की लिख देनी है, रिलेशन तुम्हारा उनसे क्या क्या है वो लिख देना है। देन इसके बाद में आपको यहाँ पे नीचे चलना है। नीचे चलने के बाद फिर आपसे मांगा गया है नॉमिनी किसे बनाना चाहते हैं, मैंने अपने भाई को बना दिया है, उसका डेट ऑफ बर्थ लिख देना है, रिलेशन आपको यहाँ लिख देना है, डेट ऑफ जॉइनिंग का डेट डाल देना है, अपना यहाँ सिग्नेचर कर देना है। देन इसके बाद में यहाँ कुछ भी आपको नहीं लिखना है। नेक्स्ट पेज पर अगर हम आ जाते हैं तो ये है आपका ESI फॉर्म। ये ESI फॉर्म आपको मेल पे नहीं भेजा गया है, ये वहाँ जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे जाएंगे तो आपको वहाँ से ये फॉर्म दिया जाएगा, हमको भी वहीं से मिला है। अपना नाम लिख देना है, डेट ऑफ बर्थ लिख देना है, सिंगल और मैरिड पर टिक लगा देना है, मेल फीमेल पर टिक लगा देना है, पिताजी का नाम यहाँ लिख देना है, मोबाइल नंबर अपना यहाँ लिख देना है, और मेल आईडी यहाँ पर लिख देनी है। देन उसके बाद में अपना क्या करना है, अपने बैंक का नाम लिख देना है, ब्रांच का नाम लिख देना है, आपका यहाँ पे अकाउंट नंबर लिख देना है, और यहाँ पर आपको IFSC कोड लिख देना है, नॉमिनीज का यहाँ पे नाम लिख देना है, रिलेशन लिख देना है, नॉमिनीज फैमिली मेंबर है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे, और पूरा उसका एड्रेस यहाँ पे लिख देना है। देन इसके बाद में नीचे कम्युनिकेशन एड्रेस यहाँ पे सेम एड्रेस है आपको वही यहाँ लिख देना है। देन इसके नीचे अगर और आएंगे आपको मांगा है फैमिली डिटेल्स एज आधार कार्ड के थ्रू, आधार कार्ड में जो फैमिली डिटेल का नाम है वही लिखना है, मम्मी का लिख देना है, पापा का लिख देना है, भाई का बहन का लिख देना है, उनका रिलेशन यहाँ पे लिख देना है, डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है, और रेजिडेंशियल आपके इसी एक ही रेजिडेंशियल पर रह रहे हैं तो उन पर यस लगा देना है, और एक एड्रेस आपको लिख देना है, यहाँ पर आपको डेट लिख देना है, हैदराबाद प्लेस लिखना है, और आपको सिग्नेचर अपना कर देना है। देन इसके बाद में आपको क्या करना है, इसके बाद में यही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा है, ये जॉइनिंग रिपोर्ट का पूरा सेट मैंने आपको फिलअप करके दिखा दिया। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, इस वाले हॉल में आपको बिठाया जाएगा, और यहाँ पर सेट 1, सेट 2, सेट 3 तीनों में लिखा हुआ है ECL का यहाँ पर लोगो है। आई होप कि इस वीडियो में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज जरूर मिलेगी, नॉलेज मिली तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, क्योंकि मैं ऐसे ही रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।